हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। होली कैसी सेलिब्रेट की फ्रेंड्स? टाइम नहीं मिल पाया। मैंने बोला था कि लाइव आ जाएंगे, बट मुझे 9:30 के बाद टाइम मिला। फिर ये हो कि बच्चे सो गए होंगे या सब थके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेवल हो गया था। और फिर आलस थोड़ा सा आ जाता है ना। मुझे 9:30 के बाद टाइम मिला, मैंने कहा आप जाने तो कोई बात नहीं, विश तो वैसे भी कर दिया है, नहीं मिल पाया। वैसे भी बीच में हम लाइव आ जाएंगे, मिल लेंगे। आज मैंने कहा कि अब टाइम है, फिलहाल के लिए तो छुट्टी ही है हमारी, आज भी छुट्टी है। कल से प्रॉपर वर्क पे फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। कोई नहीं, तो मैंने कहा कि क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हो गया, एंजॉय हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। आई होप आप लोगों ने खूब बढ़िया एंजॉय किया होगा, अच्छे से रंग खेले होंगे, खूब बढ़िया खाया होगा पकवान ढेर सारे, सबकी बढ़िया होली हुई होगी। आप अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, त्यौहार हो गए हैं ओवर। अब अभी कोई त्यौहार आसपास आएगा नहीं जिसमें ऐसा हम लोग कुछ ज़्यादा बिजी होने का कोई पर्पस दिख रहा है, इतना कोई नहीं खाने वाला है। अब आपका रिजल्ट का, थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट का और आपके एग्ज़ाम की बस देरी हो रही है कि आपकी डेट निकले और उनका रिजल्ट आए। तो ये दोनों काम आपका थर्ड वालों का रिजल्ट आने के बाद ही होगा और जल्दी ही होगा, एकदम फटाफट होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट आने का अब तारीख बहुत नज़दीक आ रहा है। 1-2 दिन 3 दिन हो सकता है एक हफ्ते में रिजल्ट उनका देखने को मिले, और जैसे उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा वैसे टाइम शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए कि अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है हर एक चीज़ को बेस्ट से बेस्ट तरीके से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कोई पहली बार यहाँ पर भैया दीदी जो भी यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, कोई दिक्कत होती है बताइएगा, हम आपको बताएंगे, उसका सोल्यूशन देंगे, मेल करेंगे, सब कुछ आपको सारी सोल्यूशन मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आज मैंने पोल क्वेश्चंस इसीलिए टाइम था तो मैंने करवाया शुरुआत की, वहाँ पर मैं 10-15 रोज़ पोल के क्वेश्चंस करवाऊंगी, अब करवा रही हूँ। वहाँ पर भी इंजॉय करिए, प्रश्न को रहेगा आपके लिए, आपके एग्जाम संबंधित है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन रहेंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पर आप नोट्स के नहीं है आपके पास, एग्ज़ाम आ गया है तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए और थोड़ा सा बताइए, डेडिकेशन के साथ कार्य करिए, हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर राज सर है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, बात कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगी, कार्य आपका हो जाएगा। अब ये है सोशल साइंस डीरेट फर्स्ट सेमेस्टर, जहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरी वाले प्रश्न, जो कि बड़े वाले होंगे, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। यह पेपर काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पेपर 40 क्वेश्चन को लेके आता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 50 नंबर का पेपर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर अच्छा स्कोर कर लेते हैं हम। आइए फिर शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज की इस क्लास की। आज है 9 मार्च, हमारी पढ़ाई पर दोबारा वापस आ गए। टाइम को यूटिलाइज़ करना मेरी एक बहुत अच्छी याद है क्योंकि हम टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि टाइम ही तो उड़ जाता है, बाकी तो चीज़ें यही रह जाती हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? आपको प्रश्न आएगा, आया भी हुआ है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट करिए। 2 नंबर में भी बनता है, 1 नंबर में भी बनता है, ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, इट डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। अगर 1 नंबर वाले में आए तो 2 लाइन लिख दो, अगर जो है 2 नंबर वाले आए तो 5 लाइन लिख दो, यही टारगेट लेके चलना है, बाकी कुछ नहीं। जो उसमें रहता है 75 वर्ड लिखो, 150 वर्ड लिखो, ये ना कोई गिनता है ना कुछ होता है, बस यही कि अगर 1 नंबर वाला है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और वो अगर 2 नंबर वाला थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, यही इतना फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी गौ माता की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आय क्या है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की जाती है और हर साल ये होती है, हर साल एक डाटा एनालिसिस रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक सेक्टर का, चाहे वो किसी भी ग्रोथ का होता है, हम लोग को ओवरऑल साल भर का हम लोग देखते हैं, नया कोई स्टार्टअप खुल रहा है या कोई चीज़ हो रही है, हम लोग ने कितना काम किया, डाटा है कितना क्या हुआ, कितना कमाया साल भर में, क्या किया, सबकी सैलरी रिसिप्ट होती है, सारी चीज़ें होती है, फिर हम लोग को भी साल भर देखते हैं यार इतना रुपये कमाए, इतना खर्चा किया, ये चीज़ें कि बचा कितना, साल भर में क्या किया, क्या नया सीखा, क्या और अच्छा किया, तो ऐसा क्या एस्टिमेट हम लोग अपनी लाइफ का भी निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे नेशनल इनकम भी होती है, जो साल भर की एक राष्ट्रीय आय, कितना लागत लगा, कितना खर्च हुआ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यहाँ पर ये माल गिरा, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, पुल गिरा, क्या क्या हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ,
बाहर से कितना आया, बाहर कितना गया, तो सब चीज़ का एक एस्टिमेट निकाला जाता है। तो वही है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1967 से लेकर 1968 के टाइम पर की गई थी। भारतीय अर्थशास्त्र दादा भाई नौरोजी ने की थी, सबसे पहले इन्होंने की थी। और किसी देश के उत्पादन के जो संसाधन हैं, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, जो उनके उत्पादन के रिसोर्सेज के जो प्रोडक्ट को बनाने के जो रिसोर्स हैं, उनके द्वारा जो किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कि उन्होंने जितनी मतलब वस्तुएँ बनाई हैं और जितना उसका प्राइस रखा है, जितना उनको बेचा है, बेचने के बाद जो चीज़ उनके पास बची हुई है, सारा खर्चा लगा कर मतलब टैक्सेस वगैरह देकर, पूरे निर्यात और आयात का आउटकम का सोर्सेस सब कुछ निकाल कर जितना पैसा उनका बचता है, वो उनकी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये साल भर की एक पूरे देश की एक साल भर की आय का पूरा एक एस्टिमेट व्यू रहता है। और जिससे देश नया बजट के लिए सोचती है कि क्या करना, हर राज्य का अपना बजट होता है, केंद्र का अपना बजट होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारत अपनी भारत यात्रा, भारत यात्रा के दौरान मेगस्थनीज के द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुवार लिखना है, मतलब पॉइंटिंग वाइज लिखना है। मेगस्थनीज के बारे में आपको कुछ याद आ रहा है, ये हिस्ट्री के एकदम जो पहला चैप्टर था वहीं की स्टोरी पे मेगस्थनीज का एक नाम इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और एक दो क्वेश्चन मेनली मेगस्थनीज के नाम से पॉइंट आउट होकर पूछ लिए जाते हैं। तो मेगस्थनीज से आप अपनी बातों में क्या बताओगे, अपनी बात को रख कर मेगस्थनीज से क्या रिलेटेड बात शेयर करना चाहोगे, कुछ ये मेगस्थनीज के बारे में याद है, ध्यान रखिएगा। एक डॉक्टर था ये, ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। मेगस्थनीज जो था वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर का कार्य इनका था। अब वो और भी चीज़ें थी, वो मतलब और भी जगह से कनेक्टेड है, लेकिन मेन पेशा जो था इनका, कार्य का व्यवसाय, वो डॉक्टर का था। अब देखो क्या है, मेगस्थनीज यूनान सम्राट के सेकुलस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 9 वर्ष तक रहा था। ध्यान से हर एक चीज़ को समझिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर में आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। अभी आपको यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने जो भारत का वर्णन किया है उसको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करना है। मेगस्थनीज कौन था, तो यूनान के सम्राट सेकुलस का राजदूत था ये। सेकुलस यूनान कौन था, यूनान जगह है, वहाँ का जो सम्राट राजा था सेकुलस, सेकुलस का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष रहा। वो जब 9 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, तब वो एक आम बंदा बन के वहाँ पर आके 9 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है। और जो कि जो है मेगस्थनीज, वो एक राजदूत था, राजदूत किसी दूसरे देश का था, और चालाकी बस वहाँ पर रहा था। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगस्थनीज लिख रही है, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न भी बनता है, ध्यान रखिएगा। और साम्राज्य का पूरा मुजतना, साम्राज्य के बारे में, तो साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, साम्राज्य में क्या क्या होता है, क्या खाना बनता है, कैसा प्रशासन है, कैसे गण जनगण वगैरह पूरे डिवाइडेड हुए हैं, स्त्री की क्या अवस्था है, विद्यालय की क्या चीज़ें हैं, धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, और एकता बंधुत्व कितना है, समाज के ऊपर लिखा है, आर्थिक के ऊपर लिखा है, नैतिक चीज़ों के ऊपर लिखा है, जो बिल्डिंग इमारत बनी है उसके ऊपर लिखा है, संस्था जो चल रही है उसके ऊपर लिखा है, व्यवस्थाओं के ऊपर, हर एक मुद्दे पर इन्होंने अपनी टीका टिप्पणी की हुई है, जिससे ये किताब रह गई और ये मर गया, और उन्हीं किताब को पढ़ कर ये सारी चीज़ें बाहर निकली। तो ये मेगस्थनीज के बारे में छोटी सी डिटेल तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न बनता है कि मेगस्थनीज कौन था, तो सेकुलस का राजदूत था पहली बात तो। तो ये बहुविकल्पी में भी बन सकता है, लिखने को भी आ सकता है। फिर जो पुस्तक का नाम है इंडिका, तो वो कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि मेगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, तो टिक करना होगा कि उसका नाम इंडिका था। या तो ये प्रश्न बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तब आपको टिक करना होगा कि मेगस्थनीज ने लिखी थी, जो कि सेकुलस का राजदूत था। एक प्रश्न और ये भी बनता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको लिखना होगा कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखो, एक प्रश्न मैं लेकर आई जिनसे 5-6 प्रश्न बहुविकल्पी के या अतिलघुतरी के, सब मैंने बता दिए कि इस टॉपिक से ये प्रश्न बन सकता है। बताया कैसे, एक्सपीरियंस के बेस पे, एग्जाम दिया है, पास हुई हूँ, हर चीज़ किया है, और आप भी देख रहे हैं कि सीरीज में हर बार पूछा जा रहा है, तो ये एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि पढ़ा है, किया है, मालूम है। ठीक है, इस बार आए ना आए वो आपके ऊपर किस्मत पर डिपेंड नहीं है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है।
अब जैसे इन्होंने जो बातें कही थी वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य राजप्रसाद इतना ही भव्य था जितना कि ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। तो ये आपको एक बात ये ध्यान रखनी कि पाटलिपुत्र में एक राजप्रसाद बनने की प्रथा चलती थी, तो वहाँ पर प्रसाद बनता था जिसको राज्य में बनता था, इसलिए उसको राजप्रसाद नाम दिया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट भी था, टेस्टी भी था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकदम वही सुगंध, वही खुशबू, वही टेक्स्चर, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था वहाँ का राजप्रसाद। आगे चलिए, यहाँ पर सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों के एक परिषद के द्वारा किया जाता था। मतलब वहाँ पर जो सैनिक प्रशासन था उनके अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 30 थी। ये अधिकारियों की संख्या आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएगी फिलहाल, लेकिन डीएड सेकंड सेमेस्टर जब आप जाएंगे तो अधिकारियों की संख्या पूछी जाती है। तो अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 30 थी, पूरे चलाने वाले, मतलब पूरा गठन देखने वाले। और नगर का प्रशासन 3 सदस्यों के साथ तो पूरा बढ़ गया था, मंडल में डिवाइड हो गया था, लोग अलग अलग प्रणाली के तौर पर उसको देखते थे, जैसे आज भी बटा हुआ है, केंद्र का अलग, राज्य का अलग और जिलों का अलग। दास प्रथा उस समय नहीं थी, जो दास प्रथा चल रही है वो उस समय नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर लकड़ी के भवन बनते थे, जो भवन वगैरह गृह बनते थे, घर बनते थे, वो लकड़ी के बने हुए, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के सब कुछ, वहाँ पर लकड़ी की कारीगरी वहाँ पर ज़्यादा थी। और जहाज़ का निर्माण के बहुत सारे उद्योग बने थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे उद्योग बनाए गए थे उस समय। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न है, पुरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल, नवप्रसारण काल के 3 औजारों की विशेषताएं बताइए। तीनों मतलब काल के जो औजार थे, ऑर्नामेंट थे, उनके बताइए। तो कभी कभी प्रश्न क्या बनता है कि प्रसारण काल मतलब ये प्रस्तर काल, प्रसारण काल कितने भाग हैं, कितने अंग हैं, कितने वो हैं, तो 3, पुरा, मध्य और नव। आगे चलिए, इनसे भी बहुत प्रश्न बनता है, तो एक प्रश्न मैं आज लेके आई हूँ। इस तरह से हर प्रश्न मैं आपको हर भी पेपर में करवाऊंगी, ध्यान रखिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो चलिए फटाफट वाले लाइक करके आइए, डू इट फास्ट, टाइम पे आने का प्रयास करिए। मैं एज अ टीचर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं टाइम पर आज पंचुअल हुई, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे भी टाइम पर पंचुअलिटी को मेंटेन करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि ये क्लास आपके लिए हो रही है, ये एग्ज़ाम आपको देना है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जब हम कभी किसी कोर्स से जुड़े रहते हैं ना, मैंने भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली है अलग अलग कोर्सेज के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आज भी पढ़ती हूँ। मेरे जो काम की चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देती हूँ, मेरा फिलहाल जून में एग्ज़ाम भी है, तो वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पढ़ देती हूँ। तो मैं भी जिन जिन क्लासेस में बहुत सारे पेड कोर्सेज भी बहुत खरीदती हूँ, क्योंकि वो नहीं मिलती है जब क्लासेस अवेलेबल नहीं होती, तो मैं बहुत पेड कोर्सेज भी खरीदती हूँ। तो उन सब की जो क्लास है उनको मैंने एक बात ये देखी कि मेरे पास वो बुक रहती है, मेरे पास बुक खरीदते हैं भी, हम बुक भी ले लेते हैं जैसा रहता है, बुक भी है, लेकिन वो बुक मेरी कभी नहीं कवर हो पाती क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पाता, वक्त मिलता है तो आलस आता है। लेकिन अगर मैं जो पेड कोर्स खरीद लेती हूँ तो एक टाइम बाउंड होती है कि मुझे इतने बजे अपनी टाइमिंग को जाकर क्लास पर अटेंड करना है, क्लास लाइव लेनी है, जैसा भी है, तो वो उससे मेरा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, लेकिन रखी हुई किताब मेरी नहीं ख़त्म होती है। तो मैं वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल पढ़ती हूँ कि वो मेरा एग्ज़ाम भी पूरा तैयार हो जाता है, मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ बताता है, तो क्योंकि इतना थक जाते हैं तो सुनती होता है कि लॉजर बात किसी की सुन लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी आदत बनाइए, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तो पहला एक एक काल के जो औजार हैं उनकी विशेषताओं का पहला बात करेंगे। पूरा प्रसारण काल ये क्या होता है? तो इस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया था, जो औजार बनाए थे कोई बंदूक और गन, गोला बारूद नहीं था, पत्थर के औजार थे, क्योंकि पत्थरों का ही काल था, पत्थर ही पत्थर थे, और सेवाओं को शुरू कर दिया था। फिर जो है उनसे उन पत्थरों से जो औजार बनाए उनसे अपने मतलब अपने योग में, अपनी सेवा में उनको प्रयोग करने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप इनके आहार पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया था, ठीक है। इससे आय के मानव के पूर्व मानव में पेड़ों के फल मतलब जो आहार जो खाना खाते थे, जो पेड़ों के फल, अमरूद, जंगलों में अमरूद जंगल में रहते ही थे, पर पत्थरों का काल भले था, पत्थर के घर होते थे, पत्थर का सब कुछ, लेकिन कपड़ा पत्थर का थोड़ी हो जाता था। तो कपड़ा तो वही केले का पत्ता, पेड़ों की छाल, यही सब चीज़ें होती थी, पेड़ों में पत्ती लगी रहती थी वो सब पहनते थे, सागौन कपड़ा वाला पत्ता होता है वो पहनते थे। तो खाने का भी अमरूद के फल वगैरह खाते थे, ठीक है, जंगल में अमरूद होता है, कंद मिल जाता है खाने को, और भी जो चीज़ें हो, महुआ वगैरह देखो जंगल में हो जाता है, केला मिल जाता है जंगल में, आम वाम भी सीजन में मिल जाता है, आम, अमरूद, केला, और ये चीकू उकू का भी पेड़ मिल जाता है जंगल में, जंगल जलेबी है खाने को, जंगल जलेबी खाई है आप लोगों ने? मैंने खाई है, मेरे गांव में है, मैं अक्सर कभी कभार गांव में ना जंगल जलेबी खाने ही जाया करती थी, बहुत पहले, बहुत समय हो गया है, अब तो पसंद भी ना है शायद, भूल चुके हैं, स्वाद भी अजीब से चला गया है। कच्ची इमली, इमली वह खट्टी होती है, इमली है, बेल है, बेल वगैरह, बेल में कांटे होते हैं, यही सब चीज़ें जो भी होता था मिलता था।
खाकर वो अपनी भूख को मिटाते थे। और इस काल में मानव ने औजारों का निर्माण प्रयोग करके शिकारों को किया। जो पत्थर वगैरह बनाए गए वो अपनी सुरक्षा के लिए भी बनाए थे और थोड़ा सा जो है जानवरों को शिकार कर उनकी मांस वगैरह खाने के लिए। और मांसाहारी भोजन की शुरुआत हो गई, छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू। पहले क्या था कि वो जो औजार वगैरह ऐसे ही खेलते थे या जो भी करते थे ऐसे बनाते थे, पहले ये सब कुछ खाते थे, पेड़ पौधे का सब कुछ। और फिर बाद में जब पत्थर से आग निकली तो आग वाग जलाए, बहुत कुछ किया और उसे औजार बनाने लगे, रगड़ने लगे, घिसने लगे, फिर जानवरों को मारने लगे। पहले सुरक्षा के लिए मारते थे, बाद में फिर जो है खाने लगे मार के। तो ये मतलब औजार की विशेषताएं हैं। नुकीले औजार थे, टेढ़े औजार थे। ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे चीज़ें समय बढ़ता है वैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती, वैसे उस समय के पत्थर बेडोल से एकदम अड़े बेड़े रहते थे, अजीब से रहते थे, कोई कोई मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न नहीं था। जैसे जो बना उसे से गए मारे गए, लेकिन फिर बाद में जैसे ध्यान मतलब आगे जानते गए तो नुकीले एकदम पैनी धार वाले, जैसे बर्फ़ की सिल्ली ले लो तो रखी है, लेकिन बर्फ़ अगर नुकीला कर दो तो मर्डर हो जाता है, उससे मार देते हैं लोग, इतना नुकीला धारदार होता है, कट जाता है एकदम। तो वही सब है और है बर्फ ही। ठीक है, चलो मध्य में आ जाओ। तो ये बीच का काल होता है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। इस काल में मानव ने अपने शिकार करने के लिए औजार और उनकी उन्नत के लिए और अच्छे तरीके से एकदम बारीक में बना लिए थे और अच्छे कर लिए थे, क्योंकि उनको जानकारी हो गई थी किस जानवर को कितने बड़े पत्थर से मारना है, क्या करना है, कितनी दूर से घात लगाना है। फिर से पत्थर की कुल्हाड़ी वगैरह भी बना लिए थे। ठीक है, हड्डी के हड्डी वगैरह का भी इस्तेमाल, कितना मारते थे मांस खाते थे, हड्डी बचती थी, धातु और जो है रांस करते थे। ये कांस होगा नहीं, कुछ और है ये, कुछ कुछ चीज़ें हैं ध्यान नहीं दिया मैंने, रांस पता नहीं क्या, राखी वगैरह होगी ऐसा हो सकता है। लकड़ी के औजारों का निर्माण शुरू कर दिया, फिर लकड़ियों से भी कुल्हाड़ी है, घणास है, नहीं घणास में कहाँ लकड़ी होती है, कुल्हाड़ी में लकड़ी होती है और हथौड़ी में लकड़ी होती है, फरुए में लकड़ी होती है, फरुई में लकड़ी होती है, और पलावन वगैरह आता है उसमें लकड़ी लगी रहती है, यही सब है। अल्टा पलटा जो भी आता है उसमें लकड़ियाँ लगी रहती हैं। मेनली जो खेत के सामान होते हैं उनमें ज़्यादा विभिन्न प्रकार के, फिर स्प्रेकर, पुटिन, बहुत सारे औजार अलग अलग नाम के बनाए लगे, ब्लेड वाले चुकीले एकदम धारदार बनाने लगे थे। तो ये सब देखो, अब इसमें से एक दिन देखो, मैंने आप लोग को पूरी प्रोसेस बताऊँ फ्रेंड, सिंपल सी बात, एकदम साधारण बात सुन लो। जैसे पूरी थ्योरी जब पढ़ाई थी तो पढ़ाई थी, हर एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से बताई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिखेंगे, तो देखो कुछ नहीं, मेरी बात को सुन लो, बाकी ये चीज़ें पढ़ो या ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बोल रही हूँ कि लिखो मत इसको, बस मेरी बात को सुन लो। इस क्लास में आने का एक मोटो रखा करो कि मेरी बात सुन लो, फिर लिख लोगे ये सब। आपको कुछ औजारों के नाम, हैंडएक्स, एक्स, क्लाइवर, ऐसे बहुत सारे नाम है, दस नाम याद कर लो, पाँच 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 करके, कि पाँच उसमें, पाँच उसमें, पाँच उसमें। ठीक, उसके बाद आपको ये लिख रहा है कि औजार हुआ करता था, पहले कोई शेप नहीं था, बाद में शेप आया। जो पहले वाले में लिखना है उसमें ये शेप होता था, पहले पेड़ खाते थे, पेड़ पौधे के फल फूल खाते, फिर ये खाने लगे, फिर मांसाहारी हो गए, फिर ये हो गए, ये हो गए, लिख के पॉइंट वाइज करके छोड़ दो। उसके बाद नीचे उदाहरणों उदाहरण पाँच उदाहरण दे दो, नीचे आओ, नीचे कुछ बातें लिख दो, पहले उतनी जानकारी नहीं थी, उतना अच्छा नहीं हुआ करता, बाद में जानकारी हो गई और अच्छे औजार बनाने लगे। ठीक है, तो ये सब बातें ऐसे लिख के तीन चार उदाहरण दे दो, बस उसके बाद काम करते हैं। बहुत नहीं परेशान होना है कि एकदम टू पॉइंट सारी बातें लिखनी है। तीसरा पॉइंट देख लो यहाँ पर, तो एक तरफ पत्थर के अच्छे औजार बनने लगे थे, दूसरी ओर धातुओं की खोज होने लगी थी। धातु की जो कांसा, तांबा, पीतल सब खोजे गए थे, वो सब खोजने लगे, सब रांगा वांगा होने लगा, जस्ते की खोज हो गई। फिर स्वयं दोनों को मिलाकर पीतल बनाया गया था। पीतल किससे बनाया गया था, जस्ता और तांबा को, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है जो हर बार बनता है, आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आता है, तो इसलिए ध्यान रखें। पॉइंट आउट मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ, लिख लीजिएगा। तो इसी काल को ये महान उपलब्धि भी हुई है, पहिया वगैरह भी बन गया था, काफ़ी कुछ देखने को, कृषि खेती बाड़ी भी शुरू हो गई थी लास्ट वाले काल में। तो ये सारी विशेषताएँ, आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आज का है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। ये मैं यहाँ पर इसका उत्तर लेकर नहीं आई हूँ, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है वो और कौन कौन से हैं, ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, जो आप ये सभी को कमेंट ध्यान रखिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आता है। तो आप सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये एक टास्क के रूप में, कितने हैं और कौन कौन से, वो कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, बेसिक सा प्रश्न है। जिला प्रशासन के कार्य का वर्णन कीजिए, पांचवा प्रश्न है जिला प्रशासन के कार्य। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, आप जान रहे हैं हर एक जिले में है, जिस जिले में आप हैं वहाँ पर भी व्यवस्था बुरी है, तो थोड़ा आइए उन पर डिस्कस करते हैं। जिला प्रशासन जिला देश में प्रशासनिक संगठन के अत्यधिक एक महत्वपूर्ण कड़ी या इकाई या एक यूनिट है।
देश भर में 500 से अधिक ज़िले हैं जिनका निर्माण भौगोलिक निरंतरता और प्रशासन की सुविधा के हेतु के प्रशासन की सुविधा को मेंटेन रखने, प्रशासन के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनसे अवगत करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। वे गाँव और शहर और नगरों और राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं। ये जो सब होते हैं जो गाँव गाँव को शहर से, शहर और नगरों से, छोटे छोटे राज्यों की राजधानी से ले जाकर मिलाते हैं, देख रेख करते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, ये इनका कार्य होता है। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य में समस्त सरकारी विभाग में अधिकारी उपस्थित होते हैं। जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, जितने भी अधिकारी का एक वो है, सब कुछ वहाँ पर उपस्थित होता है। हर स्तर पर अधिकारी रहते हैं, कार्यभार को देखते हैं, संभालते हैं, जिसमें जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMO जिसको कहा जाता है, जिला शिक्षक अधिकारी, BSA ऑफिस वाले, कार्य अभियंता इत्यादि, इनको हम अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये सारे इनके कार्य हैं जो कि हम आसानी से देखते हैं। जिला प्रशासन में क्या है? जिला प्रशासन, जैसे जिला प्रशासन का वर्णन करिए तो जिला अधिकारी ही इनको मतलब ऊपर से ये पे लोक सेवा आयोग का पेपर देके वहाँ से पास आउट होके आते हैं, करते हैं। हर विभाग के अलग अलग होते हैं, हर लोग को अलग अलग कार्य प्रणाली वगैरह दी जाती है। कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है, ऐसा सा रोल होता है। अगर इनसे प्रश्न बने कि जिला प्रशासन का कार्य क्या होता है, तो जिले में जिले की देखभाल करना, जन लोग जितने हैं, जन समूह जितने हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, कोई मतलब आपातकालीन कार्य है, घटनाएं हैं, तो उनमें पूरा निरीक्षण करना, कोई और भी चीज़ें हैं, ठीक है, सराउंडिंग में रहना, हमेशा देखना हर चीज़ को, जिले में अच्छी व्यवस्था प्रबंध करना, स्कूल, पानी और तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना, जितना हो सके उतना जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी कितनी है, क्या है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना। कोई परमिशन देना, यात्रा है कोई है, उसकी पूरी प्रबंध करवाना, वरना दंगा फसाद, जड़ कैसा रहना लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है जिलाधिकारी के अंडर में होती हैं। और जिलाधिकारी इन सब चीज़ों को, कार्यभार को संभालते हैं, देखते हैं, क्योंकि जिले में कोई घटना हो रही है, कोई भी आपातकालीन चीज़ें हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, गलत काम लड़की से लड़की के साथ हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो जिलाधिकारी की फिर ऊपर लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या तमाम चीज़ें हैं, तो देख रेख करना, चलाना, जिले को अच्छे से कंट्रोल में करना, जिले का पूरा अधिकारी है तो जिले की जिम्मेदारी को लेना, परिवार की तरह समझना, करना, लेकिन फिलहाल बहुत कम ही लोग करते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, क्या ही कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सारे उनके कार्य वगैरह भी है, अलग अलग नाम से भी जाना जाते हैं, अलग अलग ज़िले में अलग अलग स्तर पर रखा जाता है, कार्यभार दिया जाता है, संभाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर लेके आई, 5 कल मैं आपको करवाऊँगी, 5 आज करवाऊँगी, तो इस तरीके से कई सारे आपके प्रश्न तैयार। 20 मिनट की क्लास थी जो 20 से 22 मिनट लगभग हो रहा है, तो आज की क्लास शुरुआत की, छोटी भी नहीं है, 20 मिनट की हम डेली क्लास करते हैं, 20 से 25 मिनट की, तो ये आपकी 22-23 मिनट की क्लास हो रही है। आई होप क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। होली के बाद की हमारी क्लास है, मैंने लेना बहुत ज़रूरी समझा कि हम अपनी रूटीन वे में आए, क्लास को करें। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जो टास्क दिया है वो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून माई फ्रेंड्स।